आपके सेहत से जुड़ी हर समस्या उसका हल जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल के कार्यक्रम मेरा डॉक्टर। पूरी खाने से ये केमिकल पदार्थ खाने से मुंह के अंदर बीमारी पैदा होती है जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोला जाता है। ये गर्भपात की गोली अगर फेलियर हुई तो गर्भपात ही करना चाहिए, ये प्रेग्नेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तुमची सगळी माहिती असायला पाहिजे की काय गोष्टी केल्याने काय परिणाम होऊ शकतात, ते त्यांना गंभीर स्वरूपाचे आजार होऊ शकतात, त्याच्यानंतर त्यांना पुढच्या आयुष्यात लग्न झाल्यावर आणखी काही प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, तर असं न करणे जास्त योग्य आहे। लेकिन हम जैसा वेस्टर्न लोगों का अनुकरणशील है, हम उनका अनुकरण कर करके ये सब आदतें हमारे में आ रही है, जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, पिज्जा, बर्गर, इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हमारा मोटापा भी बढ़ता है। मंगलवार एवं शुक्रवार समय सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे, तो देखना ना भूलिए मेरा डॉक्टर। नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। सिटी न्यूज की भव्य इनामी योजना गुंजी मनपा के विशेष आम सभा में। जमील कॉलोनी में साहसी चोरी, 1.5 लाख के माल पर हाथ साफ। महापौर आम सभा में और उनका सरकारी वाहन घूम रहा शहर में, कई शहरवासियों ने देखी मनपा के अधिकारों के दुरुपयोग की दास्तां। तहसील परिसर में यातायात बिगड़ी, आरोग्य एवं स्वच्छता की ऐसी तैसी। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। माहिती अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देने पुलिस आयुक्तालय प्रथम अपीलीय अधिकारी और पुलिस आयुक्तालय ने पुलिस आयुक्तालय के जन माहिती अधिकार की आनाकानी कर रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी देकर पूरी जानकारी दिए जाने का दावा किया जा रहा है, ऐसी शिकायत पीड़ित विजय मुरलीधर अन्वेकर की है। मी दिनांक 15/11/2007 रोजी दिलेल्या तक्रारीची प्रत व त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती त्या अधिकाऱ्यामध्ये मी अर्ज दाखल केला होता, त्यावर मला 30 दिवसांमध्ये माहिती न मिळाल्याने मी 24/12/2007 रोजी अपील दाखल केली। अपिलामध्ये 8/1/2008 रोजी सुनावणी घेण्यात आली। सुनावणी घेतल्यानंतर आदेश पारित झाला की यांना ताबडतोब माहिती देण्यात यावी, तर तो आदेश घेऊन मी
सहायक पोलीस आयुक्त यांच्याकडे गेलो. यांनी सुद्धा आदेश झाल्यानंतर त्यांना आदेशाचं प्रत दाखवली. आदेशाचं प्रत दाखवल्यानंतरही त्यांनी मला माहिती दिली नाही आणि दोन चार दिवसांनी अशी मला ते सांगत गेले. त्यानंतर मी त्यांना एक 25/2008 पत्र दिलं, रजिस्टर पत्र दिलं. त्या पत्राचं सुद्धा त्यांनी काही उत्तर दिलं नाही. त्यानंतर मी 31/2008 त्यांना पोलीस आयुक्त साहेबांना एक पत्र दिलं की आपल्या आदेशाची अवमानना होत आहे म्हणून. तरीसुद्धा त्यांनी त्यावर काही कारवाई केली नाही, उत्तरसुद्धा दिलं नाही. त्यानंतर मी 7/1/2008 पुन्हा आयुक्त साहेबांची भेट घेतली. झालेल्या कारवाईची माहिती दिली की मला आदेश होऊनसुद्धा मला माहिती मिळत नाही व मिळाली नाही. त्यांनी लगेच एक चिठ्ठी लिहून मला चव्हाण साहेबाकडे पाठवलं की ही चिठ्ठी त्यांना द्या आणि ताबडतोब त्यांना माहिती देण्यात यावी असे त्यांनी मला चिठ्ठी दिली. ती चिठ्ठी देऊन मी त्यांच्याकडे त्याच दिवशी गेलो आणि त्यांना ती चिठ्ठी दिली. तर त्यांनी पुन्हा मला सांगितलं की तुम्ही 2-4 दिवसांनी या ते जुनी आहे. पुन्हा मला त्याच पद्धतीने त्यांनी मला माहिती दिली नाही. मग त्यानंतर माहिती मिळाली नाही व हे सतत मला फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून मग मी प्रेसवाल्याकडे माझी ही व्यथा मांडली. त्यानंतर हे सकाळ पेपरमध्ये, जन्माध्यममध्ये आणि 2-4 पेपरला हे बातमी प्रकाशित झाली. त्यानंतर मग तरी काही कारवाई करण्यात आली नाही. म्हणून आता माझं म्हणणं हे आहे की आता सिटी चॅनलमार्फत मला न्याय मिळावा. माझं माहिती अधिकार के तहत जानकारी न मिलने पर अपील करनी होती है. वह भी पीड़ित 2 बार कर चुके हैं. इसके बावजूद भी माहिती नहीं दी जाती तो फिर जनाधिकार कानून है किस लिए, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है. आगामी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक HUPM के गौरक्षण मैदान में श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है. इस आयोजन स्थल पर भूमि पूजन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ. वृंदावन धाम गौरक्षण अमरावती के मैदान पर आगामी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है. भागवत कथा के साथ प्रतिदिन रात 8 से 10 बजे तक नानीबाई का मायरा भी संकल्पित है. इसी आयोजन स्थल के मंच निर्माण के काम का हाल ही में भूमि पूजन संपन्न हुआ. कई मान्यवर इस भूमि पूजन समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे. जमीन कॉलोनी में गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने अब्दुल रफीक के घर सिंध लगाकर 1.5 लाख रुपए का एवज चुरा लिया. ये चोर स्थानीय होने की संभावना जताई जा रही है. जमीन कॉलोनी निवासी कंत्राटदार अब्दुल रफीक के घर गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 1.5 लाख के माल पर हाथ साफ किया. जब ये चोरी की वारदात घटी तब घर के सारे सदस्य ईद मिलन समारोह हेतु कहीं बाहर गए थे. शुक्रवार की सुबह जब सब घर पहुंचे तब इस चोरी के घटना का पता चला. यहां चोरों ने जिस ढंग से चोरी की है उससे ये संभावनाएं जताई जा रही है कि ये चोर स्थानिक भी हो सकते हैं. गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र और नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में इस आशय की घटनाएं अभी आम हो चली है. जमील कॉलोनी के चोरी की तफ्तीश करने पहुंचा स्क्वाड एवं श्वान पदक भी छाया नगर तक दौड़कर बेरंग लौट गया था, जिससे यहां स्थानिक चोरों की टोली सक्रिय रहने की संभावनाएं बड़े पैमाने पर जताई जा रही है. उत्पीड़ित भारतीय महिला एवं नागरिक संघर्ष समिति की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन हाल ही में हुआ. हिंदू मुस्लिम भाइयों सहित भ्रष्टाचार विरोधी मंच अमरावती के पदाधिकारी, उत्पीड़ित भारतीय महिला एवं नागरिक संघर्ष समिति, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, न्याय के पदाधिकारी भी प्रमुखता से उपस्थित थे, ऐसी जानकारी सिटी चैनल को आयोजकों ने दी. शहर के तहसील कार्यालय का दर्शनीय परिसर पूरा अतिक्रमण की चपेट में आने से यहाँ की यातायात पूरी तरह से बिगड़ चुकी है. कई अवैध वेंडर भी यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं. इस ओर शहर यातायात की तहसील विभाग ने ध्यान देना जरूरी हो गया है. महानगर के हर इलाके को विभिन्न समस्याओं ने घेरे रखा है. तहसील कार्यालय भी शहर का अति व्यस्ततम इलाका है, पर यहाँ भी कई समस्याओं ने डेरा जमाया है. यहाँ की मुख्य समस्या है बिगड़ी हुई यातायात और गंदगी का आलम. यहाँ के पोस्ट ऑफिस मुख्यालय के ठीक सामने कचरे का ढेर आए दिन पड़ा रहता है,
जिसका कचरा आधा रास्ता आरक्षित कर गंदगी का आलम पसारे रहता है। 9 महीने झाले तसच गड्ढा पडलेला आहे, 8-10 उघडलं आणि कोणी पाहतच नाही। कॉर्पोरेशन वाले BSNL आणि हे पोस्ट ऑफिस इस्टेट बँक लोकांना फार डाव कंप्लेंट केलेली आहे। कोणी याच्याकडे नगरसेवक कोणी येत नाही, कोणी ध्यान देत नाही, असा लोक पडते। 2 डाव याच्यात आंधळे पडले, माणसा बाया पडते, हॉस्पिटल मधून सुट्टी झाली, रात्री ऑटो गेला त्याच्यात पडते, गाडीचा इंडिका एक डाव पडली, त्यांचा हेड फुटला, फार त्रास होते। त्याच्यामुळे कचरा 2-3 दिवस इथून कंटेनर जातच नाही। इतवारा बाजारचा कचरा इथे येते, कोंबड्याचे सगळी घाण इथे येते, मासळ्याची घाण इथे येते आणि कुत्रे आणून टाकते। लोकांना ऑफिस मध्ये यायला त्रास होते, बँकेत यायला त्रास होते, लोक बायामध्ये तहसीलमध्ये शाळाचे मुलग मुली येते उत्पन्न दाखला बनवण्यासाठी, त्याला फार त्रास होते। घाण इतकी येते का वास मध्ये साज नाही घेऊ शकते। तो आधा रास्ता तहसील के अवैध वेंडर अतिक्रमण कर गड़प कर डालते हैं, जिससे यहाँ यातायात की गंभीर समस्या पैर पसारे जैसे थे ही है। बाहर वालों के लिए जो पार्किंग की जगह यहाँ दी गई है तो उसके लिए कोई सहूलत ही नहीं है, और ये जो पार्किंग की जगह मिली भी है इन लोगों के लिए तो ये अंदर के जो ऑफिसर लोग या कर्मचारी जो यहाँ सर्विस करते उनके लिए है। यहाँ पर अगर यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन? यहाँ पर सभी लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सभी, छोटे बच्चों के बारे में आते, दाखिलों के बारे में, कोई बेवाएं आती है, कोई यतीम आते हैं, सभी आते हैं। यहाँ पार्किंग के बारे में बहुत परेशानी हो रही है, सारे लोग यहाँ परेशान है पार्किंग के बारे में। अगर गाड़ी जरा सी गलती से कहीं और लग जाती है तो उसको 1,000 का, 500 का या 700 का मेमू मिल जाता है। स्वच्छता और आरोग्य की ओर महापालिका प्रशासन ने और अवैध वेंडरों पर तहसील कार्यालय ने, तो बिगड़े यातायात की ओर शहर यातायात विभाग ने ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग उठाई जा रही है। कारण या ठिकाणी 4-5 ऑफिसेस आहेत, ऑफिसेस असून हा कचरा त्याच्या अगदी समोर, तरी कोणती ऍक्शन होत नाही, म्हणजे फारच म्हणजे इतकी घाण। मी म्हणजे ऑफिसच्या समोर प्रथमच बघतोय आणि चांगल्या चांगल्या म्हणजे मोठं ऑफिस असून इथे घाण आहे। आणि अण्णा हजारे साहेबांनी जे सामाजिक प्रदूषण दूर करण्यासाठी काम केलं, त्याला सामाजिक प्रदूषण हटवण्यासाठी काम केलं, आणि हे तर कोणतं प्रदूषण म्हणजे वातावरणाचं प्रदूषण आहे, हे हटवण्यामुळे म्हणजे भ्रष्टाचारच आहे। याच्यामुळेच तर साऱ्या रोगराई निर्माण होतात। हो 10-15 वर्ष अगोदर आपण बघितलं असेल, आपण सर्व सुज्ञ आहे की गुजरातमध्ये सुरत शहरामध्ये असंच एका जागी कचरा होता, त्या कचऱ्यापासून प्लेगची बिमारी आली होती, सारं सुरत शहर खाली झालं होतं। आणि जगामध्ये मग सुरतचा माणूस, गुजरातचा माणूस, भारताचा माणूस गेला का नाही म्हणे तुला प्लेग आहे, उभा राहा टेस्ट करून दाखव। म्हणजे ही जाणीव आम्हाला यायला पाहिजे की आम्ही एकटं म्हणजे स्वतः स्वच्छ राहून काही उपयोग नाही, माझा परिसर स्वच्छ पाहिजे तेव्हा मी निरोगी राहील, तेव्हा सर्व स्वच्छ राहील, तेव्हा सर्व आनंदात राहील, आरोग्यमय राहील। अन्यथा साऱ्यांना या एका गोष्टीचा श्लोक गोष्टीचा साऱ्या अमरावती शहराला त्रास होऊ शकतो, हे आम्ही आमच्या डोक्यामध्ये बिंबवलं पाहिजे, आम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे। अमरावती मनपा के महापौर, स्थायी समिति सभापति, विरोधी पक्ष नेता आदियों को मनपा ने सरकारी वाहन मुहैया कराए हैं, जिस पर लाल बत्ती लगी रहने से वाहन अलग ही पहचाने जाते हैं। ये वाहन सिर्फ जिन्हें दिए गए हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर महापौर का वाहन महापौर साहब आम सभा में उपस्थित रहने के बावजूद भी शहर में घूमते नजर आया, ये तो सरासर अधिकारों का दुरुपयोग ही है। एक तरफ मनपा स्वयं को बेदाग साबित कराने बहुत हाथ पांव मार रही है, तो दूसरी ओर मनपा की नजर कितनी पैनी है ये भी उजागर हो चुका है। शुक्रवार को मनपा की विशेष आमसभा चल रही थी, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने बुलाए गए इस आमसभा में महापौर भी उपस्थित थे, तो उन्हें मनपा से मुहैया कराया गया लाल बत्ती वाला वाहन शहर में घूम रहा था। पूछे जाने पर इस वाहन चालक ने यातायात कर्मी को बताया कि मेयर के परिवार के कुछ सदस्य खरीददारी में लगे हैं, इसलिए ये वाहन रास्ते के बीच खड़ा कर दिया गया है। यातायात पुलिस, इस जगह अगर किसी नागरिक की गाड़ी होती तो बेझिझक चालान फाड़कर कार्रवाई करते, पर लाल बत्ती के वाहन पर कार्रवाई करना शायद यातायात विभाग के नियम में ही नहीं आता, जो सरासर गलत है। नियम सभी के लिए समान होना चाहिए। मनपा के वाहन पथ की गरिमा समझकर वितरित किए जाते हैं, पर पथ पर विराजित व्यक्ति ही इन वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। उनके परिवार के सदस्य अगर इन वाहनों का प्रयोग करते हैं तो वो सरासर अधिकारों का दुरुपयोग है,
और इस ओर मनपाने ध्यान देना जरूरी हो गया है। शहर की कोई सड़क ऐसी बची नहीं है जिसमें खड्डा नहीं है। पूरे शहर की सड़कें बदहाली का शिकार हो चुकी है। इस ओर प्रशासन का ध्यान खींचने सिटी न्यूज भव्य इनामी योजना घोषित की है, जिसमें मनपा को आईना दिखाया गया, जिसका असर शुक्रवार को संपन्न हुए आम सभा में दिखाई दिया। 39R भूखंड मुद्दे पर गर्माकर स्थगित हुई आमसभा शुक्रवार को विशेष आमसभा के रूप में संपन्न हुई। जैसे ही आमसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सिटी न्यूज की भव्य इनामी योजना आमसभा का माहौल गर्मा गई। शहर के किसी भी इलाके की 300 मीटर लंबाई वाली कोई भी सड़क बताओ जिसमें खड्डा ना हो और आकर्षक पुरस्कार पाओ, ऐसा इस भव्य इनामी योजना का स्वरूप है। इस इनामी योजना ने मनपा को पूरी तरह से शर्मसार करके रख दिया, क्योंकि मनपा भी जानती है कि शहर के किसी भी सड़क का नजारा देखे तो रास्तों के बदहाली के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इस विषय पर मनपा के पार्षदों ने सिटी चैनल के हवाले से अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याची एवढी बेकार कंडिशन आहे, तुम्ही विदर्भ महाविद्यालय शेगाव नाका जर आले तर चालणी झालेल्या रस्त्याची अपघात वाढलेले आहे, त्यांची दिवसभर रोड आहे इकडे कठोरा नाकाच्या पासून तो तिकडे कोटे कॉलेजकडे कठोरा रोड जो आहे त्या रोडला आली होती, त्या रोडची अवस्था विचारणार। रोड सोडून लोक रस्त्याच्या बाजूनं तिथलातून जातात, कुठे रोडून जातात, आज एवढं खराब झालेलं आहे। इनमें पार्षद संजय अग्रवाल, मिलिंद चिमोटे, पूर्व महापौर अशोक डोंगरे के साथ कई पार्षदों का समावेश था। उसके बाद सभी सदस्यों को 39R भूखंड प्रकरण का अहवाल वितरित हुआ। अहवाल पर सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए ये मांग उठाई कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तुम्ही काही निर्णय घ्या, कुणाच्याही बाजूने घ्या, एक तर ज्यांनी जागा सोडल्या त्यांच्या परत करावं लागेल, नाही तर त्यांच्याकडनं घ्या लागेल, त्याच्यातून सुटका नाही सभागृह आपणास जेवढी या ठिकाणी विनंती करतो। कारण आपण सगळं समजा इथं असलेलं चेअरमन असतोय, सगळे जबाबदार आहे, शासनाचा मोठा वगैरे आपण घेतात, शासनाला मोठ्या विश्वासानं तुम्हाला इथं पाठवलेला आहे, नाही तर हा निर्णय झाला नाही तर ही महानगरपालिका जास्त करा वारंवार म्हटलेला आहे शासनाने, शासन अकोल्याचा बरखास्त करायला नाही तर कोण निघाला समजून निघाल या प्रकरणात या जो निर्णय झाला नाही हे महानगरपालिका बरखास्तच केली पाहिजे। कारण याच्यानंतर कुणाची हिंमत करू नये शहरात वाटोळं करायचं। अहो जुन्या काळात एवढं आम्ही पाहतो राजनगरमध्ये लहानाचे मोठे झालो, सर्किन तोल्या मोठ्या, रोड मोठे, ओपन स्पेस मोठे, तुम्ही जर राधानगरात राहता राधानगर किती चांगलं आहे, पृथ्वीनगर किती चांगलं एवढं, आता जे एवढं असं विकास तुम्हाला वाटत। ये जो अहवाल प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि मनपा के सहायक नगर रचना विभाग ने जो भूखंड अभिन्यास मंजूर किए हैं उसमें नियमों के अधीन रहकर ही व्यवहार किए हैं, जिस पर आमसभा में दावे प्रतिदावों का दौर चलता रहा। सभी यही कह रहे थे कि एक ही दिन और एक ही व्यक्ति के नाम पर कई अभिन्यास मंजूर करवाना अपने आप में घोटालों का सबूत है। इसी तरह कईयों ने एक जगह को बंटवारे में विभिन्न परिजनों के नाम चढ़ाकर अपहार कर ओपन स्पेस तक छोड़े जाने वाली भूमि हड़प कर डाली। ये करतूत अब साफ तरीके से उजागर हो रही है। सारे सम्माननीय सदस्य 39R भूखंड के दोषियों पर कड़े कार्रवाई के समर्थन में थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कड़े कार्रवाई के समर्थन में उतरे होने से सभापति महापौर एडवोकेट शेड़के
और मनपा आयुक्त नवीन सोना ने ये निर्देश निर्गमित किए कि वस्तुनिष्ठ कार्रवाई की जाएगी। वस्तुनिष्ठ कार्रवाई के आश्वासन के साथ सदन के कार्रवाई का लेखा जोखा मुख्य नगर रचना विभाग भेजने की जानकारी भी सभापति ने भरी आम सभा में दी। इस पर मनपा के कई पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे। आरोप प्रत्यारोप सतत सुरू आहेत की महानगर पालिकेचे रस्त्यांवरती खड्डे पडलेले आहेत, तर त्यापैकी किती रस्ते महानगरपालिकेचे आहेत आणि बहुतांश जे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत त्याची सुद्धा यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, जेणेकरून नागरिकांना हे कळलं पाहिजे की जे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत त्याची देखभाल करण्याचं काम त्यांचं आहे आणि सार्वजनिक विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा बोलवून त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याचे सुद्धा निर्देश देण्यात आलेले आहेत आणि 50 लाख रुपयांचा निधी जेव्हा आम्ही आमच्या स्तरावरती या कामाकरता मंजूर केलेला आहे तर यात दिरंगाई होणे अपेक्षित नव्हतं आणि जेणेकरून रमजान हा पवित्र महिना होता, ईद होती, दर्ग्यामध्ये किंवा तिथे पवित्रस्थळी पूजास्थळी जाण्याचं त्यांचं जे रस्ते होते ते रस्ते दुरुस्त होणं अत्यंत गरजेचे होते, मस्जिदचे रस्ते दुरुस्त होणं गरजेचे होते आणि त्याचबरोबर काल गणेशची स्थापना झाली ते रस्तेसुद्धा दुरुस्त होणं गरजेचे असल्या कारणाने त्यांना प्राधान्यक्रम देऊन गणेश विसर्जनापूर्वी जे प्रमुख रस्ते आहेत ते दुरुस्त करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाला देण्यात आलेले आहे। दुसरी योजना आम्ही एक चांगली मंजूर केलेली आहे की ती सुजल निर्मल पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत जी केलेली आहे त्याचा एक निर्णय सभागृहामध्ये आज आम्ही चांगला घेतलेला आहे की जेणेकरून नवीन 10,000 नळ जोडणी नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे आणि त्याच्यापासून सुमारे 50,000 नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जी वाढीव योजना आहे त्या योजनेची मंजुरात महासभेकडून अपेक्षित होती आणि आज त्याच्यावरती चांगली चर्चा होऊन तो एक निर्णय आम्ही प्रभावी निर्णय आजच्या सभेमध्ये घेतलेला आहे, जेणेकरून शुद्ध पाणी नागरिकांना जीवन प्राधिकरणच्या मार्फत मिळेल, परंतु त्याची मंजुरात महानगरपालिकेने करून देणं गरजेचं असल्यामुळे तो आम्ही प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे। एक घोटाला हुआ है इस या निष्कर्षापर्यंत येणं आज याच्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये सभागृहात निर्णय नाही करू शकत की याच्याबाबतचे सर्व निर्णय जे आहे ते शासन स्तरावरती ती इन्क्वायरी पेंडिंग आहे आणि आम्ही सभागृहात हे म्हटलं की ही बाब शासनाच्या निदर्शनात आणून दिली पाहिजे की याच्यामुळे नियोजनाचं आमचं जे आहे नियोजन जे होतं म्हणजे ओपन स्पेस सोडली पाहिजे, बगीचा असला पाहिजे, हे सगळं आमचं कोलमडलं, परंतु नेमकं आता जे कायदे आहे ज्या कायद्याअंतर्गत ती कार्यवाही चालते ते संबंध कायदे शासनानेच तयार केलेले आहे आणि शासनच त्याच्यावरती आता चौकशी करत आहे, तर शासनाची चौकशी सुरू असताना या सभागृहाने काही एखादा वेगळा निर्णय करणं, शासनाचा वेगळा निर्णय येणं, हे बिईंग हायर अथॉरिटी शासन हे आमची वरची प्राधिकरण असल्यामुळे आपण त्यास टाळलं आहे। आपण काही निर्णय त्याच्यामध्ये असा नाही केला की घोटाळा नाही झाला असंही नाही म्हटलं, झाला असंही नाही म्हटलं आहे, निर्णय असा झाला आहे की या संबंध प्रकरणाचे जे 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी मागितलं होतं ते संबंध प्रकरणं त्यांच्याकडे पाठवावे, कोणत्याही परिस्थितीत याच्यामध्ये ज्या लोकांनी प्लॉट विकत घेतले ते कुठेही कसूरदार नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्या हिताचं रक्षण करावं आणि या सभागृहाच्या या ज्या भावना आहेत किंवा याच्यामध्ये त्या बिल्डर किंवा या लोकांनी बा याची पळवाट शोधून किंवा इल्लिगली हे जे केलं आहे हे थांबलं पाहिजे, याच्याविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे असा निर्णय झालेला आहे आणि जे निर्बंध शासनाने लावलेले आहेत की जोपर्यंत चौकशीचा अहवाल येऊन याच्यामधला दोष आहे किंवा वैध अवैध होत नाही तोपर्यंत निर्बंध कायम ठेवावे, कोणत्याही प्रकारे आम्ही निर्बंध काढू दिले नाही आहेत त्याच्यावरचे, आणि शासनाचा जो अहवाल येईल किंवा निर्णय येईल तो पुन्हा आमसभेसमोर ठेवला जाईल आणि आमसभेमध्ये पुन्हा त्याच्यावर चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय करता येईल। फक्त शासन आणि सभागृह यांच्यामध्ये एखाद्या वेळेला जो कॉन्फ्लिक्ट झाला असता, वाद झाला असता, तर मग त्याच्यामध्ये कोण ज्येष्ठ आम्ही की शासन, हा वाद टाळण्यासाठी म्हणून आपण महिनाभर थांबलेलो आहे आणि शासनाला पुन्हा विनंती केली आहे की याच्यामध्ये 1 महिन्याच्या आतमध्ये आपण निर्णय करावा म्हणून। शासन की इन्क्वायरी चालू है, मुख्यमंत्री की तरफ से जो इन्क्वायरी चालू है उनको डायरेक्शन दिया जाए कि ये पॉइंट लिया जाए, जैसा शासन के इसमें 2010 से 2011 एक साल की इंक्वायरी हो रही है, पर इसमें ऐसा बोला गया है कि 1990 से इंक्वायरी होना चाहिए कि 39R के अंतर्गत कौन से विषय गलत हुए हैं, बस ये विषय पे काफ़ी चर्चा हुई है और सर्वसम्मति से ये विषय पास किया गया है और शासन की तरफ भेजा गया है कि जो अहवाल में और भी काफ़ी बातें आई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स किया जाए। देखिए भ्रष्टाचार तो पक्का हुआ है, इसमें अधिकारी वर्ग ने भ्रष्टाचार किया है और नियम के अंतर्गत किया है कि नहीं किया है इस पर अभी स्पष्ट है, क्योंकि हमने आज जो जनता में एक ये है, क्योंकि जनता जानती नहीं कि 39R या 40R क्या है, पर जनता के दिमाग में एक विषय है
कि भ्रष्टाचार इसमें काफी मात्रा में हुआ है और हम भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार तो हुआ है, नियम के अंतर्गत किया गया है कि नहीं किया है वो समिति की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो जितना भी उन्होंने अहवाल दिया वो अहवाल में तथ्य नहीं है। अगर करके दिल में ईमानदारी है, लेकिन कुछ लोगों का पेशा उसके मुंह में से बीमारी निकल रही थी लेकिन दिल में उसकी ईमानदारी थी, इसलिए वो भी वो अहवाल को सही तरीके से या अच्छे ढंग से सभागुरु के सामने बोल नहीं सका जब हमने सभागुरु में चर्चा की इस बारे में। तो इस बारे में मैं अभिनंदन करूंगा अपने यहाँ के सिटी चैनल का और जो जो कोई उत्तर पत्र है जिन्होंने ये विषय उठा के लिया और इसी ढंग से अगर ये विषय उठाए रखना चाहिए, मुझे ऐसी सबसे आशा है। और बहुत सारे सदस्य मैं अभिनंदन किया सभागुरु में कि इस ढंग की चर्चा सभागुरु में की, मैं इस लोगों का अभिनंदन करता हूँ। तो अब आगे देखेंगे, अभी उन्होंने ये इसके ऊपर विषय रुकाया है कि विधान भवन में विषय चालू है, वहां का क्या निर्णय आता है, फिर एक साल का क्यों लिया है, फिर एक जन सदस्य तो यहां तक बोल दिया कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है। अरे लोगों के मैदान खा रहे तुम, करोड़ों रुपए के तुम नुकसान महापालिका का कर रहे हो, बोलते ये विषय कोई बड़ा नहीं, क्या बात बोल रहे थे उनको कुछ समझ नहीं रहा था। अरे उनके मुंह में से सब चोरी झलक रही थी, ये सभागुरु भी देख रहा था और सब लोग भी देख रहे थे। और मैं यहां तक बोल दिया सभागुरु में कि ये जो जो सदस्य सभागुरु में बैठे हैं ये विषय में अगर तुम आनाकानी करते हो तुमको जनता माफ नहीं करेगी। डॉक्टर बायती इनका जन्मदिन रक्तदान के सामाजिक महान कार्य से मनाया गया। स्थानीय तखतमल के एरोबिक सेंटर में यह रक्तदान शिविर शुक्रवार को संपन्न हुआ। डॉक्टर हरीश बाहिती के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय अंबापेट स्थित तखतमल एरोबिक सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। कई मान्यवरों ने रक्तदान का महान कार्य कर डॉक्टर हरीश बाहिती को जन्मदिन की शुभेच्छाएं प्रदान की। रक्त का महत्व डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए रक्तदान शिविर का आयोजन कर जन्मदिन मनाने का फैसला किया जाने की जानकारी भी डॉक्टर बाहिती ने सिटी न्यूज को दी। आयोजित रक्तदान शिविर में आने वाले सभी ब्लड डोनर्स का मैं स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस दिन पर उन्होंने समय में अपना समय निकाल कर और इस रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया और इसी प्रकार की सेवाएं हर साल हम अभी भी करते रहेंगे। इन सबका मैं तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अब देखिए खास खबरें। शुक्रवार को हुए बारिश ने अंबा नगरी के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। दो दो बरस रहे बारिश के पानी ने कईयों को बेघर तक कर डाला, तो कई रिहायशी इलाकों सहित बाजारों में भी बारिश का पानी घुस गया था। गणेशोत्सव के त्योहार के वक्त ही बारिश पूरे उफान पर रहने से महानगर में कई नए खड्डों की भरमार भी हो गई। राजापेट के कई घरों में पानी घुस जाने से इन घरों का सामान पानी पर तैरते नजर आ रहा था। महाजनपुरा, दत्तवाड़ी आदि इलाके भी बारिश के पानी ने भारी तबाही मचाकर उध्वस्त कर डाले और वहां के नागरिकों को हाल बेहाल कर दिया। घरों में घुसे बारिश के पानी पर तैरते घरेलू साहित्य बचाने भी अच्छी खासी मशक्कत करते कई नागरिक दिखाई दिए। इथं आमची सगळ्यात मोठी समस्या आहे, इथं आम्हाला नालीचं बांधकाम पाहिजे। नालीचं बांधकाम असल्याशिवाय पाण्याचा डान साफ या पूर्ण संपूर्ण होणार नाही। नेहमी पाणी येत राहील, नेहमी पाणी असंच पसरल्या जाणार नाही वार्डामध्ये। दत्तवाडी आणि आमलेवाडी परिसरासाठी मी म्हटलो होता मनपाला की अगर तुम्ही आम्हाला नालेचं बांधकाम करून नाही देणार तर आम्ही मनपाला टॅक्स भरण्यास सक्त मना करून देऊ। म्हणून आमची प्रशासनाला इतकी विनंती आहे की आमचं ताबडतोब नाल्यांचं बांधकाम झालं पाहिजे। अगर नाल्यांचं बांधकाम होत असेल तर आम्ही पूर्ण आमलेवाडी दत्तवाडी परिसरातले नागरिक मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडून आमच्या घरातलं पाणी आमच्या घरात येऊन राहिलं, भीतीने छत्र पडले। हा, चांगली धार लागली नळाची, जसा नळ आला आमच्या घरात मोठा तिकडला डबका सारा आमच्या घरात वाहून राहिला। तो शहर के मालवीय चौक का नजारा देखने लायक ही था। यहाँ जमा हो गया पानी का तालाब तैरने लायक नजारा ही खड़ा कर चुका था। शहर के मालवीय चौक जैसी ही स्थिति स्थानीय रेलवे स्थानक परिसर, नवाते परिसर, रविनगर रिहायशी इलाका, शंकर नगर, राजापेट सहित कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुसने से तबाही का दर्दनाक नजारा देखने मिला। कुठलाही तलाव नाही आहे, मालवीय चौकात साचलेलं पाण्याचं फार मोठं डबकं, इथे या गाड्या आहेत
की या आहेत फक्त तरणाऱ्या नाव हे सारख्या अगदी नाव ज्याप्रमाणे तरते पाण्यामध्ये कुठलाही तलाव नाही हे आपण पाहू शकतो. थोडस बाजून वाटा, या सगळ्या लोकांच्या इथं प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया. वेगवेगळ्या ठिकाणची गाळ्यांची इथे गर्दी होते, इथे गाळ्या अक्षरशः तरंगत आहेत पाण्यावरती. मालवीय चौकामध्ये आपण आहोत, या सर्वांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया. दादा, भरपूर गर्दी या ठिकाणी जमा झालेली आहे आणि यामध्ये आपण पाहू शकतो अक्षरशः अर्ध्या टोंगळ्यापर्यंत पाण्यामध्ये जशा काही गाड्या तरंगताना दिसतात आपल्याला. आपण इथे पहा, ट्रॅफिक पूर्णपणे तुंबलेलं आहे मालवीय चौकामध्ये. एक तास जरी पाणी झालं तरी या ठिकाणी अगदी समुद्राच्या लाटासारखा व्यू पाहायला मिळतो. समुद्राच्या बाजूलाच रेल्वे स्टेशन आहे, रेल्वे स्टेशनच्या उतारावरून सुद्धा आलेलं सर्व पाणी या ठिकाणी तुंबलेलं असतं. शहर के रास्तों की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है. कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं कि जिस मार्ग पर खड्डा ना हो. और शुक्रवार को बरसी बारिश और नए खड्डों को जन्म दे गई. कई नागरिक तो इस बारिश के पानी का लुत्फ भी उठाते नजर आए. खड्डों से राह निकालना शायद शहरवासियों की आदत बन चुकी है. वाहन चलाने वाले कई वाहन चालकों को तो ये तक याद हो गया है कि किस मार्ग पर किस जगह खड्डा है और अंदाजे से ही वह सड़क पार कर जाते हैं. और ऐसा करने मजबूर कर रही है अमरावती की महानगर पालिका. इस मनपा को सुधारने का जिम्मा अब जिम्मेदार नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा. पर बारिश के कहर ने मनपा के आपातकालीन यंत्रणा के साथ साथ सभी ढकोसले वादों की पोल खोल दी. क्या महानगर पालिका इस ओर ध्यान देंगी? महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज. सिटी चैनल द्वारा प्रस्तुत घरगुती गणेश सजावट स्पर्धा को महानगर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. कई स्पर्धक इस स्पर्धा में सहभागी हो चुके हैं. इन स्पर्धकों को सिटी न्यूज के घरगुती गणेश सजावट स्पर्धा में सहभागी किया जा चुका है. तमाम शहरवासियों से इस अंतिम स्पर्धा सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस स्पर्धक को इस स्पर्धा में सहभागी होना है वे तुरंत अपना स्थान निश्चित कर ले. सोमवार 5 सितंबर के बाद किसी भी स्पर्धक को इस स्पर्धा में सहभागी नहीं किया जाएगा. इच्छुक स्पर्धक सोमवार दिनांक 5 सितंबर से पूर्व अपना स्पर्धक स्थान निश्चित करा ले. ऐसी अपील तमाम गणेश भक्तों से की जा रही है. तो चलिए, गणेशोत्सव में और उमंग, उत्साह और भक्ति रंग भरते हैं सिटी चैनल के साथ. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, 77 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 2563833. अम्बा नगरी में श्री गणेशोत्सव की धूम शुरू हो चुकी है. इसलिए पूरे शहर की कानून एवं व्यवस्था अबाधित रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों का मुआयना किया गया. शहर में गणेशोत्सव पर पैनी नजर रखने क्यूआरटी पथक, एसआरपीएफ, एलपीसी आदि की चमू महानगर में दाखिल हो चुकी है, जिससे पूरे शहर को लश्करी छावनी का स्वरूप भी प्रदान हो चुका है. इसी के चलते शुक्रवार के दिन पुलिस आयुक्तालय द्वारा निर्गमित आदेश पर पुलिस पथक ने पूरे महानगर से शक्ति प्रदर्शन कर कैटवॉक किया. शहर के विभिन्न इलाकों में घूमता हुआ ये दस्ता शहर के विभिन्न इलाकों में पैनी नजर गड़ाए हुए आगे बढ़ रहा था, जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों का समावेश था. दिल्ली के सुप्रसिद्ध श्री श्याम जगोता देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है. उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए हमें आज का यह कार्टून भेजा है. अन्ना के अनशन के बाद अब जाकर सरकार ने राहत की सांस ली.
पर जिन्होंने सरकार को हिलाकर रख दिया, ऐसों को ठिकाने लगाने की सरकारी कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसलिए तो शायद कई मुकदमे एक साथ खुलना शुरू हो चुका है, जिनमें शांति भूषण की सीडी, बालकृष्ण का फर्जी सर्टिफिकेट, रामदेव की संपत्ति की जांच, किरण बेदी ओमपुरी पर कार्रवाई के कदम आदियों का समावेश है। इसी सरकार के भी कई भेद है जो स्वयं जनता जनार्दन ही खोल सकते हैं। ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिटी न्यूज की भव्य इनामी योजना गुंजी मनपा के विशेष आम सभा में। जमील कॉलोनी में साहसी चोरी, 1.5 लाख के माल पर हाथ साफ। महापौर आम सभा में और उनका सरकारी वाहन घूम रहा शहर में। कई शहरवासियों ने देखी मनपा के अधिकारों के दुरुपयोग की दास्तां। तहसील परिसर में यातायात बिगड़ी, आरोग्य एवं स्वच्छता की ऐसी तैसी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा बताया है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लैन, सक्कर साथ, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार।